अक्षय कुमार की नई फिल्म भूल भुलैया के बाद आने वाली है भूत बंगला। जी हाँ, भूत बंगला। अक्षय कुमार अब खिलाड़ी कुमार और रोमांस से बाहर निकल कर हॉरर कॉमेडी में कार्य करने का मन बना चुके हैं। पहले भूल भुलैया और भूत अब भूत बंगला। अक्षय 2014 साल बाद प्रियदर्शन के साथ कार्य करने जा रहे हैं, जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। इस फिल्म को लेकर के 9 सितंबर को अक्षय कुमार का बड़ा अनाउंसमेंट आया था। आपको बताते हैं कि फिल्म का टाइटल को बताने के बाद अक्षय की अगली फिल्म भूत बंगला रिलीज अगले साल हो सकती है। आपको बताते हैं, प्रियदर्शन ने इससे पहले अक्षय कुमार के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया में साथ कार्य किया था। अब वे अक्षय के साथ इसी तरह की फिल्में करना चाहते हैं। फिल्म को लेकर के पहले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये एक डरावनी कॉमेडी फिल्म होगी और अक्षय कुमार प्रियदर्शन की जुड़ी भूल भुलैया, हेरा फेरी, भागम भाग और गरम मसाला में के साथ कार्य कर चुके हैं। आपको बता दें, अक्षय कुमार के साथ कुछ दिनों पहले ही इंस्टाग्राम में बताया था कि 9 सितंबर को ये अनाउंसमेंट होगा। आपको बता दें कि ये अनाउंसमेंट होने के बाद अब फैंस में इस फिल्म को लेकर काफ़ी उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट है। फिल्म का टाइटल अपने फैंस में शेयर करने के बाद ये सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें, भूत बंगला कहानी उनकी भूल भुलैया से काफ़ी मिलती जुलती हो सकती है। और आपको बता दें, 2025 में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने को ये तैयार हो जाएगी। खबरों के माने तो इस फिल्म में करीना कपूर नज़र अक्षय कुमार के साथ आ सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर अपडेट्स।